नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके घर में भी ग्रह कलेश पड़ते जा रहे हैं? आर्थिक तंगी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, कोई शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो रहा, नेगेटिविटी आपके घर में बस गई है, हंसने का मन नहीं करता, घर में सिर्फ और सिर्फ मातम का सा माहौल छाया रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का जो उपाय है वो आपके लिए है। कि ऐसा लगता है आपको कि आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, कोई गलत कार्य आपके घर में हो गया है। अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बस गई है, किसी ने कोई जादू टोना कर आपके घर में कुछ कर दिया है, तो आज का जो उपाय है, इस उपाय को अगर सही तरीके से आप करेंगे तो आपके घर के कलेश जो है सभी समाप्त हो जाएंगे, आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके घर की आर्थिक तंगी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, वापस से प्यार रिश्तों में और घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी, खुशियां घर में आएंगी, शुभ कार्य घर में होंगे। हम सब अपने घर में सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियां रहे, हमारे घर में कोई ना कोई मंगल कार्य होता रहे, और ऐसा तभी होगा जब इस उपाय को अपनाएंगे। कई बार लोगों की बुरी नज़र से भी घर में नेगेटिविटी आ जाती है, ग्रह कलेश हो जाते हैं। तो आइए, बिना समय बर्बाद करते हुए बहुत ही आसान चीज़ों से आपको उपाय करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके घर की जो सबसे पुरानी वस्तु है उसे आपको दूब ले जाकर जला देना है। जी हाँ, सिर्फ इतना उपाय करते ही आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आपके घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। आपके घर की आर्थिक स्थिति जो बहुत खराब हो चुकी है, वापस से आपके घर पर पैसा बरसेगा, आप नोटों में खेलेंगे। जी हाँ, इतनी खुशी आपके घर में आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये तभी होगा जब आप उपाय को अपनाएंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए होगी 4 लौंग। जी हाँ, आपको इसके लिए 4 लौंग चाहिए होगी और अपने घर का पोछा चाहिए होगा। आपको अपने घर का पुराना पोछा और 4 लौंग की मदद से ये कार्य को करना है। और आपको करना क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको वीरवार के दिन ये 4 लौंग लेनी है और अपने सर के ऊपर से वारनी है 7 बार। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 7 बार आपको एक मंत्र का जाप करते हुए इस लौंग को अपने सर के ऊपर से इस तरीके से वारना है। 7 बार मारना है और 7 बार ही मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपका जो पोछा है, घर का जो पुराना पोछा है, सबसे पुराना, उसमें ये 4 लौंग बांध दीजिएगा और लौंग बांध कर इस पोछे को कहीं दूर ले जाइए, घर से बहुत दूर। कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा दूर आप ले जा सकें, जहाँ आसपास थोड़ा जंगल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसे ले जाकर वहां पे आपने इसे जला देना है, पूरी तरह से राख कर देना है। जैसे ये पोछा जलेगा, जैसे ही ये पोछा और ये लौंग पूरी तरह जल जाएगी, आपके घर के ग्रह कलेश मानो खत्म हो जाएंगे, और वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएंगे। हमेशा आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, खुशियाँ रहेगी, मंगल कार्य आपके घर में होते रहेंगे और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। ऐसा तभी होगा जब आप सही तरीके से विधि करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो मंत्र है उसका उच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा। दोस्तों, मंत्र जो है वो सबकी राशि और ग्रह के हिसाब से अलग होते हैं। ये मंत्र आपको गुरुजी को फ़ोन करना है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कीजिए, उनसे मंत्र प्राप्त कीजिए और आप मंत्र की सहायता से इस विधि को अंजाम देकर अपने आप को खुशहाल रख सकते हैं, अपने घर में खुशियों का वातावरण वापस ला सकते हैं। तो समय नहीं बर्बाद कीजिए, मंत्र प्राप्त कीजिए। स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है, मंत्र प्राप्त कीजिए और अपने घर में वापस से खुशियाँ लाइए। और भी कोई समस्या है जिसका समाधान कर आप परेशान हो गए हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, मंत्र प्राप्त करें और अपने गुरुजी को अपनी और भी समस्याएं बताइए। जो समस्या जो भी आपके जीवन में चल रही हैं, जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, आप गुरुजी को बताइए। गुरुजी आपको घर बैठे ही समाधान बता देंगे, और ऐसा समाधान जो कभी भी फेल नहीं होता। सही तरीके से करेंगे तो वो समाधान कभी फेल नहीं होगा, 100% उसका रिजल्ट आएगा और आपके घर का कलेश, आपकी हर परेशानी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
तो अपनाइए और अपने घर की परेशानियों को समाप्त कीजिए, गुरुजी से बात करके उनके बताए गए उपायों को अपनाइए। जय माता दी।